हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपने सिंपल व्हील का मिल्क शेक तो ज़रूर बना करके पिया होगा, लेकिन आज हम व्हील का मसाले वाला जूस बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा। तो चलिए इस व्हील के मसाले वाले जूस को बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक व्हील लिया है, ये ऊपर से थोड़ा सा सख्त होता है तो इसे तोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर बेलन का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ लेंगे और अब हम इसका पल्प निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये शार्प इस टाइप की चम्मच का यूज़ किया है। अगर आप शार्प चम्मच का यूज़ करेंगे तो ये जो व्हील है इसका ये पल्प निकालने में इजी रहेगा। और इस तरीके से हम चम्मच की सहायता से इस व्हील के पल्प को अच्छे से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पल्प जो है बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना, हमने कितनी आसानी से इसे बाहर निकाल लिया है। और अब हम देखिए इसके अंदर के जो बीज है इन्हें हमें बाहर निकालने हैं। अगर आप इसे मिक्सर जार में चला देते हैं तो ये जो जूस है वो बिल्कुल कड़वा बनेगा आपका, लेकिन हमें इसके बीज निकालने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें एक से डेढ़ गिलास पानी डाला है और साफ़ धुले हुए हाथों से इस तरीके से हम इसे मैश करके इसका जो पल्प है उसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे मैश कर लिया है और अब हम इसे छान लेंगे। अगर ये जो पल्प है एक बार में नहीं निकलता है तो आप इसी तरीके से इसे दो से तीन बार पानी में मैश करके फिर आप इसे छान लें, इससे इसका जितना भी एक्स्ट्रा पल्प है वो बाहर निकल जाएगा। और छानने के बाद इसके जितने भी सीड्स हैं और रैशेज हैं वो निकल जाएंगे। ये देखिए इसके जो सीड्स और रैशेज हैं हमने अलग कर लिए हैं। तो इस पल्प से आप व्हील का मिल्क शेक या फिर सिंपल जूस भी बना सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप इस जूस को दूध डाल करके बनाते हैं तो इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसमें दूध नहीं डालेंगे, सिंपल पानी से ही आप इसे बनाएंगे, तो इसमें हल्का सा कड़वापन है वो रहता है जो कि इसका नेचुरल फ्लेवर होता है। और हम इसका मसाले वाला जूस बनाने वाले हैं तो उसमें हम बिल्कुल भी दूध का यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल हम इसे मिक्सर जार में डाल करके इसमें हम स्वाद के अनुसार या मीठे के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे। फिर हम इसमें ये पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, प्लेन नमक, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा पुदीने का पाउडर लिया है। पुदीने का पाउडर टोटली ऑप्शनल है, अगर है तो डालें वरना ना डालें। और ये खूब सारी हमने इसमें आइस क्यूब्स डाल दी हैं। इन सभी को मिला करके हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्लासेस में थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल देंगे और उसके बाद में हम ये ग्राइंड किया हुआ व्हील का जूस डाल देंगे। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है वो मिक्सर जार में चलाने से ही आई है। और ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ा सा पुदीने का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डाल करके इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार है ये व्हील का मसाले वाला जूस। एक बार आप इसे बना करके ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों।